गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन इन विच वी हैव लर्नड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ इन कॉमन सिस्टम एंड इन आयुपैक सिस्टम. वी हैव ऑल्सो स्टडीड द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन विच वी हैव स्टडीड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एट टू प्लेसेज. In alcohol chapter, we have also studied during the oxidation of alcohol, primary alcohol gives aldehyde, secondary alcohol gives ketone, and tertiary alcohol cannot be oxidized to lack of the oxidizable hydrogen. ना तो ये हम लोग देख चुके थे. फिर इसके बाद हम लोग देखे थे preparation of aldehyde ketone में by the process of ozonolysis. ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किन से देखे थे. अल्काइन वाला आप खुद कीजिएगा, सिलेबस में नहीं इसलिए नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन अल्काइन से भी ओजोनोलिसिस होता है जिसमें आपको कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड आपको मिलेगा, वो जरूर आप देख लीजिएगा. ठीक है, प्रैक्टिस करके देखिएगा, नहीं होगा तो फिर अलग से पूछिएगा, उसको मैं बता दूंगा, लेकिन अल्काइन से भी आपको देखना चाहिए. इसके बाद अभी हम लोग देखने, हाँ फिर इसके बाद हम लोग देखे थे कि कोई भी रिएक्शन जैसे हमको एल्डिहाइड लेवल पर ही रोकना है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराइएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में प्राइमरी अल्कोहल बदल जाएगा बिकॉज इट कंटेन्स टू ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन. एल्डिहाइड लेवल पर ही रोकना हो तो हम लोग क्या करते थे, आपको कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करा देते थे, जैसे CrO3 के प्रेजेंस में करा दिए थे, जोन्स रिएजेंट के प्रेजेंस में करा दिए थे, या PCC के प्रेजेंस में करा दिए थे, पैरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट. तो उससे क्या फायदा हुआ था, रिएक्शन आपको एल्डिहाइड लेवल पर रुक जाएगा, साथ ही साथ उसमें अगर कोई अनसेचुरेटेड कार्बन है तो इट विल बी रिमेन सेम, उसका पोजिशन पर कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए PCC ज्यादा प्रीफर हम लोग किए थे. ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रिपरेशन हम लोग देखते हैं फ्रॉम एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड. ना तो हम लोग गुलाब के फूल कैसे लगाते हैं, गुलाब काट दिए ना, ले जाके जमीन में गाड़ दिए, पानी पटा दिया, लग गया, रोज लिए उसको मुंड कर दिए. ठीक है, दूसरी रिएक्शन का नाम पड़ गया रोजन मुंड रिएक्शन. ठीक है, रोजन मुंड रिएक्शन, रोजन मुंड रिएक्शन मतलब याद रखने का टेक्निक है ये. ठीक है, रोजन मुंड हम लोग को याद रहता है, इसी से रोज को मुंड कर दिए, मुंडन करके उसको मिट्टी में गाड़ दिए, रोज लग गया. इन द एसाइल हैलाइड और बेंजोइल क्लोराइड आर ट्रीटेड और रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड प्लेडियम BaSO4 व्हिच सल्फर इज स्लाइटली पॉइजंड विथ क्यूनोलिन. हम लोग बेरियम सल्फेट के सल्फर को स्लाइटली पॉइजन कर देते हैं. क्यों कर देते हैं, टू स्टॉप द रिएक्शन एट एल्डिहाइड लेवल, अदरवाइज इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बेंजाइल अल्कोहल. ठीक है, रिडक्शन है तो यहाँ से एक क्लोरीन, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया. अभी भी अगर फर्दर इसका अगर ये नहीं होता तो ये बॉन्ड टूट जाता, इस पर भी एक एच आता, एक एच आता, बेंजाइल अल्कोहल में ये बदल जाता. तो टू स्टॉप द रिएक्शन एट एल्डिहाइड लेवल ना, PDBaSO4 इज यूज्ड इन व्हिच द सल्फर इज स्लाइटली पॉइजंड विद क्यूनोलिन. ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग बेंजाल्डिहाइड कहते हैं. अगर यहाँ पर आपको एसिटाल्डिहाइड होता, ठीक है, एसाइल क्लोराइड होता तो एसिटाल्डिहाइड मिल जाता. ठीक है, यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड है, ठीक है, तो बेंजाल्डिहाइड मिल गया. आइए दूसरा रिएक्शन देखने जा रहे हैं फ्रॉम नाइट्राइल एंड ईस्टर से. तो नाइट्राइल या ईस्टर का हम लोग अगर रिडक्शन करा दें ना, इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 रिड्यूसिंग एजेंट, आपको यहाँ याद रखना होगा. ठीक है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लिए हैं, SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन और SnCl2 मिलकर के रिड्यूसिंग मतलब कि हाइड्रोजन रिलीज करेगा नेसेंट हाइड्रोजन, और जो ऐसे सब्सटेंस जो नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं. जब इस अल्काइल साइनाइड को, अल्काइल नाइट्राइल को लेकर के रिड्यूसिंग एजेंट से रिडक्शन कराएंगे फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस तो ये कंपाउंड मिलेगा. कैसे ये रिएक्शन होता होगा, आइए मैं आपको दिखलाता हूँ ना. देखिए तो आपको मैं ले लिया R, ठीक है, कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लिए, एक C ले लिए, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ N ले लिए. ठीक है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है. ठीक है, ऊपर और नीचे पाई होता है, बीच वाला सिग्मा होता है, पाई बॉन्ड तोड़ दिए. पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद हम लोग क्या किए कि आपको टूट गया पाई बॉन्ड, आपको यहाँ R है, ये C है, अब डबल बॉन्ड बच गया, एक एन है ना, पाई बॉन्ड जो टूटा आधा इधर किए, आधा इधर किए, एक हाइड्रोजन इस पर लगाए, एक हाइड्रोजन इस पर लगाए, अनस्टेबल कंपाउंड यही है. अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दिए, तो हाइड्रोलिसिस कैसे कराया जाता है वो देखिए, H2O होता है ना, तो H2 इधर ले लीजिए, सॉरी O इधर ले लीजिए, ठीक है, और H2 इधर ले लीजिए,
ठीक है, H2O। तो ये बन करके क्या साइड प्रोडक्ट निकल रहा है, NH3 निकल गया साइड प्रोडक्ट। देखिए साइड प्रोडक्ट निकल गया, ये ऑक्सीजन बचा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड के साथ आकर के लग गया, तो डबल बॉन्ड के साथ लगेगा, यही ना है R, इसके बाद C, C पर एक है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर डबल बॉन्ड ना, ये हो गया आपको O, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड ना, एल्डिहाइड बन गया इसका। अब सब माइंड में जा रहा होगा कि सर हम दो बार में कर देते, ठीक है, एक ही बार में क्यों करें, पाई बॉन्ड तोड़ देते, पाई बॉन्ड तोड़ के करते। तो आइए पाई बॉन्ड तोड़ करके दो स्टेप में कैसे रिएक्शन होता हो देखिए। देखिए इसी को यहां से हम काट दिए, पाई बॉन्ड टूट गया, तो यही ना आपका R है, C है, इस पर एक H है, ठीक है, यहाँ NH हो गया, ठीक है। पाई बॉन्ड अगर टूटेगा तो यहाँ देखो पंपिंग ग्रुप है, पंप होने की वजह से पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करता, ऐसे भी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इस पर माइनस चार्ज आ जाता है, इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब देखिए तो H और OH है, यही ना है वाटर में, H और OH ऑपोजिट चार्जेज ले लीजिए, ये माइनस है, इस पर प्लस है, इस माइनस चार्ज को, माइनस OH को ला करके इस पर अटैच कर दीजिए, इस H प्लस को ला करके इस पर अटैच कर दीजिए, तो देखिए बन जाता है आपका R, C, और C पर ये पहले से H है, यहाँ पर अब क्या आ गया, OH आ गया, अब क्या आएगा यहाँ पर N आ गया, पहले से एक H है, अब एक H और आ गया, ठीक है। फर्दर इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है, तो यही टूट जाएगा आपका, किस में, ये माइनस में, ये प्लस पार्ट में, ठीक है। तो वाटर है, तो वाटर का OH माइनस होता है, OH माइनस इधर रहता है, H इधर रहता है, तो देखो NH3 साइड प्रोडक्ट निकल गया, इस कार्बन पर दो OH आ गया, क्या आ गया इस कार्बन पर, दो OH आ गया, तो इस पर R था, R के साथ तुम्हारा ये C हो गया, और C पर एक H, अब इस पर दो OH आ गया। नाउ इट इज अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल ड्यू टू ओवर क्लाउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम, देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल ओवरलैप व्हिच वेदर, कंसिक्वेंटली देयर विल बी रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम, देयरफॉर इट इज अनस्टेबल, सो दैट देयर विल बी इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लैंग्वेज में अगर लिखना हो, बुक स्टाइल में लिखना हो, तो इसका कैसे लिखा जाएगा, व्हाई इट इज अनस्टेबल ड्यू टू इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ से फिर यही H2O निकल जाता, तो देखो यहाँ का बॉन्ड और ये बॉन्ड मिलकर यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता, यही तो एसिटल्डिहाइड बन गया हम लोग, यही एल्डिहाइड बन गया, देखिए यही आंसर है। तो इस शॉर्टकट मेथड है, यहाँ पाई बॉन्ड तोड़ दिए ना, एक जगह H लगा दिए, दूसरी जगह भी H लगा दिए, हाइड्रोलिसिस इधर डबल बॉन्ड की तरफ लगा दिए, देखो ये प्लस पार्ट है, ये माइनस पार्ट है, वाटर का H प्लस पार्ट होता है, ऑक्सीजन माइनस पार्ट है, अपोजिट चार्ज की तरफ लगा करके ये प्रोडक्ट निकाल दिए, ठीक है। आइए दूसरा रिएक्शन देखते हैं, तो याद रखेंगे स्टीफेंस रिएक्शन में SNCl2 रहता है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब आ जाइए हम लोगों को अल्टरनेटिव, नाइट्राइल्स आर सेलेक्टिवली रिड्यूस्ड बाय डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसको हम लोग डाइबल एच कहते हैं, टू आई मीन्स फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू अल्डिहाइड ना। तो इससे फायदा क्या है डाइबल से, कि अगर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो नाइट्राइल में तो वह रिमेन सेम रहता है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड रिमेन सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम जितना रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में है, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड था, तो ट्रिपल बॉन्ड क्या चीज में बदल गया, आइमीन में बदल गया, मतलब डबल बॉन्ड है, एक एच इधर देंगे, एक एच इधर देते नाइट्रोजन में, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस जो पिछले स्टेप में गए थे ना, ये हम लोग को बन जाता, ये एल्डिहाइड बन गया। उसी तरह से ये RCN है ना, ये हो गया आपका डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड ना, डाइबल एच कहते हैं, फिर फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड मिल जाता। उसी तरह से अगर कोई हम लोग एस्टर ले लें और डाइबल से रिएक्शन करा दें, तो वो ये एल्डिहाइड में बदल जाएगा, ये आपका बॉन्ड यहाँ से तोड़ना है आपको, इधर एच लगा देना है, ठीक है, और इसको क्या करना है, आप OH में बदल देना है, तो ये आपको फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। नहीं, रिडक्शन कराएंगे तो रह जाएगा, रिडक्शन हो रहा है, रह जाएगा आपका अल्कोहल में रह जाएगा, और ये आपका एल्डिहाइड में ये बदल गया, रिड्यूसिंग एजेंट है, H निकलेगा, और HH लगा करके अल्कोहल इसमें हम लोग बदल दिए। आइए हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में देखो एक चीज तुमको याद रखना है ना, कि जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम क्यों नहीं हो इस कार्बन पर, ठीक है, जैसे एक CH3 है, यहाँ पर हम कहते हैं कि नहीं सर हम जरा तीन CH वाला कार्बन वाला इंट्रोड्यूस कर दें, CH2CH3
है, और इसका ऑक्सीडेशन करा दें इसके जगह पर, इसके जगह पर, ठीक है। तो तीन कार्बन वाला है तो ये तीन कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा, हर हाल में बेंजोइक एसिड ही मिलता है। ऑक्सीडेशन कराएं कब, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कराइएगा तब। बट यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइजेज मिथाइल ग्रुप टू ए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव कोरेस्पोंडिंग एल्डिहाइड। लेकिन अगर हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड यूज कर देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एल्डिहाइड लेवल पर ही रिएक्शन रुक जाता है। यही है टॉलुइन, इसका हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड रिएक्शन करा दिए, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिल गया। अब इसका फर्दर हम लोग हाइड्रोलिसिस करा दिए, बेंजल्डिहाइड में बदल गया। इस रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। कॉपी आपको लेना है, फिजिकल केमिस्ट्री में सब फॉर्मूला एक जगह सम अप कीजिए ना, इनऑर्गेनिक में जाइए, वहां पर जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रीजनिंग है ना, उसको एक जगह कलेक्ट करते चले जाइए चैप्टर वाइज ना, टॉपिक वाइज। इसके बाद जैसे ही आप ऑर्गेनिक में आते हैं, ऑर्गेनिक में जितना नेम एंड रिएक्शन एक जगह कलेक्ट कीजिए, उसको जरूर एक बार देखिए, एक से दो बार जरूर देखना है, तब जा करके याद होगा। तो इटार्ड रिएक्शन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है अभी। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट इसमें डालिएगा तो यह कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ठीक है, फाइनली वह बेंजल्डिहाइड में बदल गया। ये रिएक्शन कैसे होता है वो देखिए ना, तो देखो ऑक्सीजन है, क्रोमियम है, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, ये भी मेटल है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को आप ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करा दीजिए, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करा दीजिए। क्रोमियम पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर कार्बन कार्बन है आपका, वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हटा के कार्बन के साथ इसको जोड़िए, होता तो नहीं है जितना आसानी से मैं बोल रहा हूँ, ऐसे होता नहीं है। तो ऑक्सीजन के साथ जोड़िएगा क्रोमियम, ये क्या कहा जाता है, तो ऑक्सीजन के साथ ये इस पर माइनस चार्ज आ गया है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हटा दिए, ठीक है, और यहाँ कार्बन के साथ जोड़ दिए तो ये मिल गया। अब होता क्या है कि ऑक्सीजन फर्दर इसमें एक जो ऑक्सीजन बच गया आपका, दो मोलिकुल इसका लिए हुए हम लोग, तो एक मोलिकुल जो ऑक्सीजन का ये है ये भी हटेगा, ठीक है, और यहाँ से H निकला है वो यहाँ जाकर के अटैच हो जाता है। तो यही देखो दो हाइड्रोजन आ गया होगा यहाँ पर, देखो है ना, दो हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के अटैच हो जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के अटैच हो जाता है। फर्दर इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कराने से यह बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये मैकेनिज्म आप देख रहे थे क्रोमाइल रिएक्शन का, लेकिन याद रखना जरूरी नहीं, डायरेक्ट याद रखिए कि क्रोमाइल क्लोराइड लेते हैं और हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो टॉलुइन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड। अब आइए यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, अगर हम लोग क्रोमिक ऑक्साइड डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है, तो उसी तरह का रिएक्शन है, ये टॉलुइन है, टॉलुइन का रिएक्शन कराएंगे तो सेम रिएक्शन रिपीट हो गया है, ये बेंजल्डिहाइड है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग, हाँ, ये रिएक्शन जरूर जानिए, कभी कभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, टॉलुइन का रिएक्शन अगर करा दीजिए ना यूवी लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ, तो ये आपका बेंजाइल क्लोराइड में बदलेगा। और आप जानते हैं बेंजाइल क्लोराइड को एक्वस NaOH या KOH से रिएक्शन करा दीजिए तो Cl के जगह पर OH आता है, तो OH इसको डायरेक्टली आया, दो OH आ जाएगा इस कार्बन पर, तो अनस्टेबल हो जाएगा ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते अनस्टेबल हो जाएगा, फर्दर वाटर निकलेगा, यहाँ पर वाटर क्या हो रहा है, आपको एलिमिनेट होगा, एक स्टेप यहाँ काटा हुआ है, तो फाइनली वह बेंजल्डिहाइड में बदल गया, ठीक है, ये स्टेप समझाया हुआ है पहले भी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, बाई गटरमैन कोच रिएक्शन। एक गटरमैन रिएक्शन हम लोग हेलो अल्केन्स हेलो एरिन्स में भी देख चुके हैं, ठीक है, तो मैं किससे पूछ लू क्वेश्चन, अनुराग ठाकुर से, व्हाट इज गटरमैन रिएक्शन, हाँ जी अखिलेश आप बताइए फिर, रवि आप बताइए, कोई हो जुड़े हुए कि भाग गए सब, चलो देखो तब सुनो मेरा, वो भी कि सब भाग गए, देखो तो जरा, हाँ जी कोई बोलो, आनंद प्रकाश, yes, अनंत प्रकाश तुम बोलो, व्हाट इज गटरमैन रिएक्शन, अजीत, अजीत तुम बोलो गटरमैन रिएक्शन क्या है,
एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड कह रहे हैं, हेलो अल्केन हेलोएरिन्स में पढ़े थे। चलो तो मैं तुम लोगों को रिकॉल करा देता हूँ, भूल गए हो द आंसर, लेकिन उधर से रिस्पॉन्स देना चाहिए कि हाँ सर भूल गए, ठीक है। तो मैं समझूंगा कि तुम लोग जुड़े हुए नहीं हो, कुछ प्रॉब्लम आ गया। जैसे मैं नेटवर्क का प्रॉब्लम होने से कभी कभी हम कल लीव आउट हो गए, कल पढ़ा रहे थे 9th को, पढ़ाते पढ़ाते हुआ क्या कि हम पढ़ाते रह गए, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया, हम लीव कर गए, सारे बच्चे मजे कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो, उधर से बताना है कि हाँ सर आपकी आवाज आ रही है, आंसर मालूम नहीं है। देखो यही ना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कॉपर के प्रेजेंस में HCl से कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्लोरो बेंजीन में बदल जाएगा, क्या चीज में बदल जाएगा, क्लोरो बेंजीन में बदल जाएगा। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, गटरमैन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। गटरमैन कुछ रिएक्शन में दूसरा चीज है, बेंजीन लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, एंड अनहाइड्रस AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड इज टेकन। तो इसको हम लोग क्या कह दिए, गटरमैन कोच रिएक्शन कह दिया, इस रिएक्शन को गटरमैन रिएक्शन कह दिए, ठीक है। लेकिन अगर यही क्यूप्रस क्लोराइड और HCl ले लेते तो उसको हम लोग सैंडमेयर का एक पार्ट कहलाता, सैंडमेयर रिएक्शन में पढ़े थे, वहीं पर मैं बताया था। और अगर सिर्फ कॉपर ले लिए HCl से करा दिए तो आपका गटरमैन रिएक्शन कहला गया। तो आइए अब हम लोग गटरमैन कोच रिएक्शन में का स्टडी करते हैं। व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड, इट गिव्स बेंजल्डिहाइड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। डायरेक्ट इसका फॉर्मेट जान जाइए, CO और HCl बनता कैसे है, तो फॉर्मल डिहाइड ले लीजिए, फॉर्मल डिहाइड नहीं, फॉर्माइल क्लोराइड ले लीजिए आप, फॉर्माइल क्लोराइड ऐसा सोर्स लीजिए जिसमें फॉर्माइल क्लोराइड बन रहा हो। फॉर्मिक एसिड को PCl5 से रिएक्शन करा दीजिए, फॉर्माइल क्लोराइड बनेगा आपको, ठीक है। तो ये फॉर्माइल क्लोराइड जो होता है डिसइंटीग्रेट कर जाता है किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में और HCl में, ठीक है। H और Cl यहाँ से निकल जाएगा, यही कार्बन मोनोऑक्साइड है तुम्हारा, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बार बार कहा जा रहा है। अब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो देखो यहाँ से Cl हो गया और कहीं से एक जगह से हाइड्रोजन ले लो, HCl निकल गया ना, तो जा करके क्या लग रहा है, CHO लग गया। तो ये रिएक्शन याद रखने का टेक्निक है गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड HCl फॉर्मल क्लोराइड की तरह होता है, यहाँ से Cl और यहाँ से H निकाल के HCl साइड प्रोडक्ट निकाल दिए ना, इस कार यह कार्बन फ्री हो गया, जाकर के इसके साथ अटैच होकर के एल्डिहाइड ग्रुप लग गया, तो इसका नाम हो गया गटरमैन कोच रिएक्शन, जिसमें बेंजल्डिहाइड आपको ऑब्टेंड हो रहा है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन अब हम लोग देखने जा रहे हैं, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल क्लोराइड विथ डाई अल्काइल कैडमियम गिव्स कीटोन। तो देखो डाई अल्काइल कैडमियम बनता कैसे हो, देखो सबसे पहले हम लोग ग्रिग्नार्ड से रिएजेंट ले लिए और कैडमियम क्लोराइड से रिएक्शन करा दिए, तो डाई अल्काइल कैडमियम बन गया, ठीक है। अब डाई अल्काइल कैडमियम हम लोग ले लिए, देखो डाई अल्काइल कैडमियम ले लिए, ठीक है। टू मोलिकुल्स ऑफ एसाइल क्लोराइड ले लिए ना, एसिड क्लोराइड ले लिए या एसाइल क्लोराइड ले लिए, ठीक है। तो यहाँ कैडमियम पर कितना पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज, दो वैलेंसी, एक बॉन्ड ये कट गया, एक बॉन्ड ये कट गया, दोनों पर क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, कैडमियम क्लोराइड बन करके निकल गया, यहाँ से कैडमियम क्लोराइड निकाल दिए। ये आर फ्री हो गया, यह इस कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा, यह एसीटोन में बदल जाएगा, फिर यह फ्री हो गया, यह आर से अटैच हो गया, एसीटोन में जाके बदल गया, कीटोनिक ग्रुप मिल गया। तो इस तरह से कीटोन रिपेयर हो गया आपका फ्रॉम एसाइल क्लोराइड ना, बाय यूजिंग कैडमियम क्लोराइड या डाई क्लोराइड कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम। आइए फ्रॉम नाइट्राइल से हम लोग कैसे बनाएंगे, कौन सा कीटोन, ठीक है। ट्रीटिंग नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स कीटोन। तो ये रिएक्शन देख रहे हैं, एक अल्काइल नाइट्राइल है आपका, ये अल्काइल नाइट्राइल है, ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, एरोमेटिक इथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिए, ये कंपाउंड मिल गया, इसको हम लोग फर्दर हाइड्रोलिसिस करा दिए, ये मिल गया। आइए मैं आपका इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ, शॉर्टकट में याद रखने का टेक्निक, कैसे हम लोग इसको याद रखेंगे। अल्काइल ग्रुप ले लिए, एक हम लोग नाइट्राइल यानी कि साइनाइड ग्रुप लगा दिए, ठीक है, ये लिख दिए। अब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ले लीजिए, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में आर या ए आर यही ना होगा, दोनों में से कोई, ठीक है। और यहाँ पर मैग्नीशियम हो गया और Br हो गया, इसी के साथ लगा हुआ है Br या कोई भी हाईलाइट हैलोजन लगा हुआ रहेगा। तो देखिए पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा
और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों? क्योंकि एक इधर पंपिंग ग्रुप है, नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके रिस्पेक्ट में, तो जब इधर से इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, जिसके चलते इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज। मैग्नीशियम मेटल है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का है, इस पर प्लस होगा, और ये कार्बन इस पर या इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब अपोजिट चार्जेज को उठा करके जोड़ दीजिए, तो अपोजिट चार्जेज को आप जब जोड़िएगा तो देखिए आर हो गया, ये सी हो गया, अब सिंगल डबल बॉन्ड एन रह गया, एन पर निगेटिव चार्ज, तो मेरा कौन यहाँ आ रहा है, एम जी बी आर, ये हो गया आपका। अब आइए इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, एराइल ग्रुप आ जाएगा या अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, ए या ए आर या अल्काइल ग्रुप, दोनों में से जो यूज करना है कीजिए यहाँ, एराइल या अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब इसको हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तो हाइड्रोलिसिस यहाँ डबल बॉन्ड है ना, वाटर का ऑक्सीजन इधर ले लो, हाइड्रोजन इसको इधर दे दो, ठीक है। तो देखो क्या बन गया, आर सी डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के साथ क्या रहा है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन दे दिए, इस पर क्या है आर या ए आर दोनों रह गए। एरोमेटिक भी बन सकता है, एलिफेटिक भी बन सकता है। साइड प्रोडक्ट क्या निकल गया, एम जी बी आर, और एम जी बी आर के साथ क्या लग जाएगा, एन एच टू लग रहा है, ठीक है। यही हम लोग का प्रोडक्ट मिल गया। तो देखिए यही तो है आपका प्रोडक्ट, कैसे बनाए वो आपको, आपके सामने है एक्सप्लेनेशन, आपके सामने है। आइए फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन से बनाते हैं। और फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह का होता है, इफ देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप देन इट इज नोन एज फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, if it is there is introduction of acyl group then it is known as friedel-crafts acylation, to ye friedel-crafts acylation hai, alkylation bhi hota hai, and it is done in the presence of alkyl chloride and anhydrous AlCl3 where AlCl3 will behave just like a Lewis acid, and when it is done in the presence of acyl chloride and anhydrous AlCl3 or FeCl3 then aapko kya kaha jata hai, एसाइल क्लोराइड इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और इसको कह देंगे फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये देख रहे थे, कहीं पर भी आप ले लीजिए, एक हाइड्रोजन ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर Cl है तो ये Cl, और यहाँ से H निकाल दीजिए, जो ग्रुप बच गया जाके अटैच कर दीजिए, ठीक है। कीटोन आपका मिल गया, एलिफेटिक भी एरोमेटिक भी दोनों से कोई बनेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हम लोग देखने जा रहे हैं, फिजिकल स्टेट अब देखते हैं। सबसे पहले तो मिथेनल जो होता है गैस होता है, इतना खराब केमिकल है कि आपका लैक्रिमेशन तुरंत स्टार्ट कर देगा, डेड बॉडी को प्रिजर्व करने में इस केमिकल का यूज होता है, फॉर्मल्डिहाइड का इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मलिन। थोड़ा सा पानी पीता हूं, इसके बाद आपके साथ जुड़ता हूं। तो देखिए फॉर्मलिन का यूज, मिथेनल का यूज आपको आज फॉर्मलिन होता है, आज प्रिजर्वेटिव होता है, म्यूजियम स्पेसिमेन बनाने में यूज होता है, ठीक है। जैसे कोई बॉडी का पार्ट से प्रिजर्व करना है, किसी के बॉडी डेड बॉडी को प्रिजर्व करना है, सांप बिच्छू बायोलॉजी लैब में खूब प्रिजर्व होता है, तो फॉर्मलिन में ही प्रिजर्व होता है। वहाँ पहले वाले स्कूल में आदमी का कलेजा हम लोग प्रिजर्व किए थे, और किस और क्या आदमी का नहीं, बकरा का होगा, और एक और कोई बड़ी हम लोग प्रिजर्व किए थे, बिच्छू बड़ा निकला था वहाँ पर, ठीक है, उसको पकड़ के फॉर्मलिन बना के डाल दिया, अभी तक वहाँ होगा। चलिए बाय द वे इथेनल है, नेक्स्ट ये वोलेटाइल लिक्विड है, अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका हायर होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड इथर ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मासेज। ऐसा क्यों होता है, तो ड्यू टू डाइपोल इंटरेक्शन, जबकि हाइड्रोकार्बन में आपको क्या होता है, तो वहां वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेज होते हैं, लेकिन आपको चूंकि पोलर नेचर का एल्डिहाइड कीटोन है तो डाइपोल इंटरेक्शन होगा, जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गर है इसके रिस्पेक्ट में देन दैट ऑफ आपको वैन डेर वाल्स फोर्सेज। Also, their boiling point are lower than those of the alcohol. लेकिन अल्कोहल से इसका boiling point कम है, क्यों है, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है दो अल्कोहल के बीच में, लेकिन एल्डिहाइड या कीटोन के बीच में, दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। यही वजह है कि आपको एल्डिहाइड और कीटोन का boiling point अल्कोहल के रिस्पेक्ट में कम है। आइए सोलबिलिटी हम लोग देखते हैं, एल्डिहाइड कीटोन को पानी में डाल दीजिए,
हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। देखिए कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो इथेनॉल और प्रोपेनॉल दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। दस दीज आर सोलबल इन वाटर बट देयर सोलबिलिटी फर्दर डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम्स आर इनसोलबल पार्ट, देयर फॉर ऑन इंक्रीजिंग द इनसोलबल पार्ट देयर सोलबिलिटी डिक्रीजेज। ऑर्डर हम लोग देख रहे हैं, तो जो लोअर मेंबर है ठीक है, खास करके जैसे फॉर्मल्डिहाइड बहुत पंजेंट स्मेलिंग ऑर्डर है, लैक्रिमेशन काउज करता है, आंसू बहने लगेगा। मेडिकल कॉलेज में कभी जाने का मौका मिलेगा, आप लोगों में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो डॉक्टर बनेंगे ठीक है, कुछ इंजीनियर बनेंगे। जो बच्चे इंजीनियर होंगे मेडिको के पास जरूर जाइए कभी डेड बॉडी देखने, तो वहाँ जाइएगा बोलिएगा कि जरा हमको इसका कलेजा निकाल के दिखाओ, तो लोग अपना हाथ डाल करके डेड बॉडी से कलेजा निकाल के आपको दिखला देगा। बोलिए भैया जरा हमको, भैया मत बोलना तुम लोग, जो जरा हमको इसका हट निकाल के दिखलाइए, तो हट निकाल के वो दिखला देगा और उसका फंक्शन समझा देगा ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक बार देखे हुए हैं इसमें पीएमसीएच में, तो लेकिन वहां पर अब ज्यादा देर तक रुक नहीं पाइएगा, फॉर्मलिन की वजह से वो हमेशा इवेपोरेट करते रहता है और आंसू निकलते रहता है ठीक है, इसलिए लोग भाग जाते हैं वहां पर। जी गुड मॉर्निंग सर, जी 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 सर, जी सर, जी सर, जी बिल्कुल सर, बस 10 मिनट में उसको करा देते हैं सर। हाँ बेटा, तो क्या पढ़ा रहा था, ऑर्डर आप देखने का। तो ऑर्डर जो लोअर मेंबर होते हैं इनका पंजेंट ऑर्डर होता है, लेकिन जैसे जैसे साइज इंक्रीज करने लगता है तो पंजेंट ये फ्रेग्रेंट होने लगता है, उसका स्मेल अच्छा होने लगता है। यही वजह है कि इसका यूज हम लोग परफ्यूमरी यूज करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट के फॉर्म में इसका यूज हम लोग करते हैं ठीक है। तो आइए मैं बता रहा था आपको, तो ये ऑर्डर सोलबिलिटी हो गया। अब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाने जा रहा हूँ, तो केमिकल प्रॉपर्टीज मैं चाह रहा हूँ कि आज इतना ही पढ़ाऊँ, कुछ काम है, ऑफिशियल वर्क है ठीक है, और 90% डाटा भी मेरा खत्म हो चुका अभी तक दो ही क्लास लेने में। तो बाय द वे आज इतना ही पढ़ाता हूँ, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थोड़ा सा समझ छोड़ो, आज काम कर लेते हैं पहले, स्कूल का वो भी जरूरी है ठीक है बेटा जी। तो आज का क्लास अटेंडेंस सबको लेने दीजिए, तब जाइएगा। अपना अपना अटेंडेंस चेक कर लीजिए, अजीत, अखिलेश, अलका, अनंत प्रकाश, अंकित रंजन कुमार, अनुराग कुमार, अर्चना सिंह, अर्पणा कुमारी, आशुतोष कुमार पटेल, चंदन कुमार, कुमार गौरव, मनीष राज, पल्लवी कुमारी, प्रवीण कुमार, प्रियंका कुमारी, रवि कुमार, रितेश कुमार, प्रिया सालोनी, शफक, शाम्भवी, सुनिधि, विक्की, अरे विकास गिरी तो आया है, इसका अटेंडेंस बन गया, अटेंडेंस बन गया, शिल्पी कुमारी ठीक है। इतने और किसी का छूट रहा है तो बोलो, हाँ जी बोलो, और किसी का छूट नहीं न रहा है, पल्लवी का छूटा नहीं ना है, देखो तो ना पल्लवी तो है, विकास गिरी का बन गया सर, विकास गिरी, हाँ देखो देखो बन गया है, विकास गिरी का है ठीक है, विकास गिरी को, लेकिन कहा ना उसको क्लास कम करता है, अल्कोहल चैप्टर में बड़ी क्लास छोड़ा है। विकास तुम कहाँ रह रहा है भाई, लेफ्ट हो गया सर, भाग गया, अच्छा चलो कोई बात नहीं है, चलिए बेटा तब जिनका छूटा होगा फिर बोल दीजिएगा, बना दूंगा, लेकिन आज ही बोलिएगा, क्या क्या सबमिट कर देंगे फिर ना।